इन बायोलॉजिकल डाटा मोस्ट ऑफ़ द डाटा इज़ इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंसेस अब अगर हम बायोलॉजिकल डाटा के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं विच कैन परफॉर्म प्रोग्रामिंग टास्क फॉर पर्टिकुलर बायोलॉजिकल डाटा तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो सिक्वेंसिस को इंटरप्रेट कर सके इंटरप्रेट से मुराद ये है कि उसे रीड कर सके अंडरस्टैंड कर सके एनालाइज कर सके और फिर राइट कर सके तो बायो पाइथन एक बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच कैन डू ऑल दिस टास्क वेरी ईजिली फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ बिल्ट इन मैथड्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और मुख्तलिफ हमारे पास जो सीक्वेंस अलाइनमेंट के या फलोजेनेटिक के अलगम्स हैं वो सब बिल्ट इन मैथड्स हमें दिए गए लेकिन कैसे अब ये काम करती है और उसके क्या कुछ एग्जाम्पल्स हैं अब इन स्लाइड्स में मैं कुछ वो एग्जाम्पल्स दिखाना चाहूँगा फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू हैव समाटा अबाउट द सीक्वेंस वट आर द कमांड्स सच एज समेर कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिकली यहाँ पे जब मैं पार्ट्स करता हूँ तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये चीज़ वो बताती है कि हम पाइथन के एडिटर में खड़े हैं इससे मुराद ये है कि अब इससे आगे जो भी हम चीज़ लिखेंगे वो पाइथन की कमांड होगी सच एज़ फ्रॉम बायो डॉट एस सी क्यू बायो डॉट एस सी क्यू क्या है ये हमारा एक पैकेज है जिसमें सीक्वेंस से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है इम्पोर्ट सीक्वेंस यानी कि हम जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं कि किसी पैकेज को यूज़ करने के लिए उससे पहले इम्पोर्ट करते हैं सो दैट इट कैन बी यूज ऑन आवर मशीन देन माई सिक्वेंस इज इक्वल टू सीक्वेंस और देन ये सीक्वेंस अब ये क्या हो रहा है कि जो सीक्वेंस है अगर मैं इसको देखूँ तो ये सीक्वेंस हमारे पास सेव हो जाएगा माई सीक्वेंस के नाम से माई एस ई क्यू के नाम से अब क्या है अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें से अल्फ़ाबेट्स निकालूँ तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि इसके साथ डॉट कॉमा uh, करके अल्फ़ाबेट लगा दूंगा और फिर जब मैं इसे प्रिंट करवाऊँगा विच इज़ शोन इन दिस लास्ट कमांड प्रिंट माई एस ई क्यू तो ये जो सीक्वेंस की ये सारी चीज़ें थी इनको ये प्रिंट करके शो करवाएगा हमारी स्क्रीन पे यानी कि सिंपल सीक्वेंसेस को रीड करने के लिए हमारे पास एक लाइन ऑफ कोड है जिसकी मदद से हम कोई भी सीक्वेंस अपने पास रीड कर सकते हैं देन सेंटर लॉग मा प्रॉब्लम इन विच वी हैड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन तो वहां पे हमारे पास क्या है माइसिक माइसेक डॉट ट्रांसक्राइब और फिर सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन तो ये हमें सिंपल आर में कन्वर्ट करके दे देगा सिमिलरली माइसेंक डॉट ट्रांसलेट और फिर वो हमें ट्रांसलेट करके दे देगा तो अगेन सेंट्रल डोगमा का जो प्रॉब्लम है विद द हेल्प ऑफ टू लाइन्स ऑफ कोड वी कैन डू इट इन पा बायोपाइथन देन फॉर सीक्वेंस एंड आउटपुट अब सीक्वेंस इनपुट आउटपुट से मुराद ये है कि क्या सीक्वेंस को हम सिंपल यूजर इनपुट आउटपुट कर सकता है या कहीं से हम रीड कर सकते हैं कहीं से रीड से मुराद क्या है कि हमारे पास डाटा बैंक अवेलेबल हैं जैसे जेन बैंक है और डिफरेंट फार्मेट्स हैं जैसे फास्टा है और स्विस् का है पी है डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं तो इनसे कैसे हम रीड किया जाए मीन्स के या तो कॉमनली यूजर एंटर कर दे या फिर हम थ्रू इंटरनेट या लोकल लाइब्रेरीज बना के फास्टा के या जैन बैंक के रिकॉर्ड्स को अपने पास रीड करें तो बायोपैथन ये दोनों ऑप्शन हमें बखूबी देता है एस सी क्यू आयो फंक्शंस अब कैसे ये एस सी क्यू फंक्शन परफॉर्म करता है बेसिकली देर आर फोर फंक्शन विच आर परफॉर्म्ड नंबर वन इज रीडिंग रीडिंग जैसे मैंने अभी बताया कि क्या यूजर की इनपुट सीक्वेंसेस को रीड किया जाए जिसके हमने कमांड भी शो की सिमिलरली दिस रीड कैन बी फ्रॉम डिफरेंट जेन बैंक और डिफरेंट फॉर्मेट्स और डिफरेंट डेटा बैंक देन पार्स पार्स का मतलब ये होता है बेसिकली कि सारे के सारी इंफॉर्मेशन जो एक फाइल में दी जाए उसे वन बाय वन पढ़ना पढ़ने से मुराद ये है कि उसे रिट्रीव किया जाए जैसे हमारे पास अगर चार लाइनें हैं तो वन बाय वन हर लाइन को वो पढ़ेगा रीड में क्या है कि हर लाइन के जो करैक्टर्स हैं उन्हें अंडरस्टैंड करेगा कि अच्छा अब ये करेक्टर ये चीज बता रही है ये स्ट्रिंग ये बता रहा है ये वर्ड ये बता रहा है देन वी हैव राइट राइट का मतलब है कि एलिमेंट्स को सेव करना किसी फाइल में और फाइनली वी हैव कन्वर्जन कन्वर्ट का जो फंक्शन है दैट टेल्स अस बेसिकली हाउ वन फॉर्मेट विल बी कन्वर्टेड इंटू द अदर फॉर्मेट यानी कि एक फॉर्मेट से दूसरे फायर में कन्वर्ट करने को कन्वर्ट का फंक्शन कॉल करते हैं सो वट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस मॉड्यूल इज के बायो पाइथन का एक मॉड्यूल है या एक पैकेज है बायोसेक का जिसके अंदर सीक्वेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मौजूद है सीक्वेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या हाउ टू रीड हाउ टू राइट हाउ टू कन्वर्ट हाउ टू पार्स और इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम सीक्वेंस से रिलेवेंट कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं